बल्लवगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में एनुअल एथलेटिक मीट का शुभारंभ किया गया। ये आयोजन 10 मार्च तक चलेगा। एथलेटिक मीट की शुरुआत महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल डायरेक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने की। इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल डायरेक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दे रही है और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। खेल डायरेक्टर ने कहा कि सरकार खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी देती है। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्णकांत गुप्ता के अलावा इस संस्था के चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता और शहर के गण्यमान्य लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर मौजूद रहे। एथलेटिक मीट का समापन 10 मार्च को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर सुमन सिंधु होंगी। 47वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में खेल निदेशक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के देवेंद्र सिंह ढुल जो वहाँ पे निदेशक है वो है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी प्रबंध समिति के प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता जी करेंगे। ये प्रतिवर्ष ये इवेंट हमारे यहाँ मनाई जाती है और इसमें जो है रेसेस, थ्रोज और जंप्स, जैसे थ्रोज की हम बात करें तो जेवलियन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, ये रेसेस हैं, और जंप्स, लॉन्ग जंप्स, हाई जंप, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में विद्यार्थी भाग लेते हैं। और इस मौके पर जो विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित करते हैं। कितने बच्चों ने अब भाग लिया है आज के रेस में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में? करीब 200 विद्यार्थी आज की जो इवेंट्स है उसमें भाग लेंगे और करीब इतने ही विद्यार्थी कल इवेंट्स में भाग लेंगे, और कल हमारा पुरस्कार वितरण समारोह रहेगा जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन सिंधु DATC फरीदाबाद है और अध्यक्षता हमारी कॉलेज प्रबंध समिति के प्रधान। निश्चित रूप से तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जॉब की आप बात करेंगे तो पिछले 5 साल में अगर विश्वविद्यालय का आप रिकॉर्ड देते हरियाणा प्रांत में जितने भी DSP रैंक के ऊपर आपको खिलाड़ी नजर आएंगे तो वो सभी खेल के माध्यम से उनको जॉब देगी, और निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने और देश ने भी सभी जॉब के अंदर 5% कार्स कोटा भी खिलाड़ियों के लिए निश्चित कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उपलब्धियों के साथ में खिलाड़ी को किसी जॉब की तलाश नहीं होती, अच्छे विभाग हैं, रेलवे है, पंजाब सिंध बैंक है, कपूरथला फैक्ट्री है, और देश के अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, डिफेंस है, BSF है, वो खिलाड़ियों को बहुत अच्छे पदों पर ज्वाइन कराते हैं। बस सर तक ये सरकार का जो विशेष ध्यान है वो ग्रास रूट पे हो, खिलाड़ी की उपलब्धि के ऊपर सरकार बहुत कुछ देने के लिए तैयार होता है। समाज के समाज जिसके लोग आते हैं, आप ओलंपिक में मेडल सफर तक कैसे पहुँचते हैं, उस सफर तक पहुँचाने के लिए एक खिलाड़ी को क्या क्या सुविधाएँ चाहिए, हमें उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि हमने वो सभी सुविधा मुहैया करवा करके आज देश के सबसे सर्वाधिक खिलाड़ी विश्वविद्यालय रोहतक में दिए, और उदाहरण के रूप में आप चाहे योगेश्वर दत्त हो, चाहे विजेंद्र हो, चाहे गीता हो, बबीता हो, मंजीत छिल्लर हो, राकेश हो, अनूप हो, किसी का भी नाम लेंगे, जो भी 9% देश को मानचित्र के ऊपर आइए बिलोंग टू एमबीसी रोहतक।